equilibrium. Or balancing condition. ये सब क्या होती हैं? देखो, आपको मालूम है कि बैलेंस कब होता है? जब नेट फोर्स जीरो हो जाए. इक्विलिब्रियम का मतलब भी वही है कि जब किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम जीरो हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो पार्टिकल या वो ऑब्जेक्ट कैसा है? इक्विलिब्रियम में है. और इक्विलिब्रियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रेस्ट में हो. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर वो रेस्ट में है तभी इक्विलिब्रियम में होगा. अगर वो मोशन में है और यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तब भी वो इक्विलिब्रियम में ही होगा, क्योंकि उस पर एक्सीलरेशन क्या होगा? उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा. पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या होगा? एक्सीलरेशन जीरो. एक्सीलरेशन जीरो है तो इसका मतलब ना तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, ना कम हो रही है, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है. इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई फोर्स उस पर लग ही नहीं रहा. फोर्स ही होता है जो किसी बॉडी की, किसी पार्टिकल की स्पीड में चेंज करता है या उसकी डायरेक्शन में चेंज करता है. ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा. ये पहला पॉइंट है. तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? कि नेट फोर्स इज जीरो. एक बात ध्यान रखनी है बस, नेट फोर्स इज जीरो. ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि कोई पर्टिकुलर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है या पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. ठीक है ना, तो अगर जब मैं बात कर रहा हूं कि एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या चेक करेंगे? कि उस पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. और जब मैं कहता हूं पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो उस सिस्टम में जितने चार्ज पार्टिकल हैं उन सब पर अलग अलग नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो. मतलब सारे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे क्या कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में. समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहां पर एक स्क्वायर लेता हूं और स्क्वायर के कॉर्नर्स पर ये मैंने फोर चार्जेस रख दिए, आइडेंटिकल चार्जेस रख दिए, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या सारे नेगेटिव नेगेटिव हैं और सबके वैल्यू सपोज सेम है, और सेंटर पर मैं कोई एक क्यू नॉट चार्ज रख देता हूँ. ठीक है, फिर आपको बोलूँ कि ये क्यू नॉट इक्विलिब्रियम में है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इस क्यू नॉट पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. हमने पढ़ा था कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन है और उसके सारे कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल चार्जेस रखे हों, तो सेंटर पर अगर चार्ज रखा हो तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, इधर ये भी रिपेल करेगा ऊपर, तो ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो गए. ऐसे ही इस डायगोनल के भी फोर्स कैंसिल हो जाएंगे. तो क्यू नॉट तो इक्विलिब्रियम में है. क्या पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? नहीं, क्योंकि अब पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम होने के लिए आपको यहाँ पर, जैसे इसको हम चेक करें क्यू नॉट, इस क्यू को, तो इस क्यू पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. लेकिन नेट फोर्स जीरो हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि ये क्यू इधर रिपेल होगा, इस क्यू से ये इधर रिपेल होगा, और इस क्यू, ये प्लस है, ये भी प्लस है. ठीक है, तो इधर रिपेल होगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो फिर रिपेल होगा. तो आप देख रहे हैं इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, तो इसका मतलब ये तीनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, कहीं भी कोई कैंसिल नहीं हो रहे. ठीक है, इसलिए ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन ये सेंटर पर रखा हुआ चार्ज तो इक्विलिब्रियम में है. तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर किसी भी पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए तो हम बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम में है वो पार्टिकल. और अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में जितने पार्टिकल्स होते हैं उन सभी पार्टिकल्स पर अलग अलग फोर्स चेक कर लो, क्या नेट फोर्स जीरो हो रहा है हर पार्टिकल पर?
अगर हर पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो हम बोलेंगे कि पूरा सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तो कहीं भी अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि नेट फोर्स अपने को जीरो करना है। ठीक है, पार्टिकल पर इक्विलिब्रियम आ रही है तो पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो कर दो। पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो हर पार्टिकल पर नेट फोर्स अलग अलग करके जीरो करो। ठीक है, तो ऐसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट और आता है, ये तो इक्विलिब्रियम हो गई, अब आता है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब भी यही है कि ऐसा पॉइंट जहां पर किसी चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, द पॉइंट वेयर अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एंड नेट फोर्स इज जीरो, देन दैट पॉइंट विल बी न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अगर हम कहीं पर एक चार्ज पार्टिकल को रख दें और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फोर्सेस चार्ज पार्टिकल पर लग रहे हैं लेकिन सबका वेक्टर सम कितना है, जीरो है, तो क्या बोला जाएगा कि इस पर, कि ये पॉइंट कैसा है, न्यूट्रल पॉइंट है। तो अगर न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहा है तब भी वही बात करनी है कि अपने को इक्विलिब्रियम ही चेक करनी है, क्योंकि नेट फोर्स क्या करना है, जीरो अपने को चेक करना है। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट में यही डेफिनेशन हो जाएगी। अब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ कहाँ मिल सकता है चार्ज के केस में, उसकी बात करें। देखिए, फर्स्ट केस है, मान लीजिए मेरे पास दो आइडेंटिकल चार्ज हैं। ठीक है, आइडेंटिकल चार्ज का मतलब है कि दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, और दोनों की नेचर और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, नेचर भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, तो ये लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्ज हो गई, और ये दोनों चार्ज सपोज फिक्स हैं, ये मूव नहीं कर रहे, राइट। तो अगर हमारे पास दो फिक्स चार्ज हैं, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो हम चेक करना चाहते हैं कि इसके आसपास, इस सिस्टम के आसपास कहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, मतलब कहाँ पर किसी चार्ज को रख दें तो उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो थोड़ी सी समझ से हम बता सकते हैं कि अगर इस लाइन पर ठीक सेंटर पर, ठीक सेंटर पर, यहाँ इस लाइन ज्वाइनिंग चार्ज के ठीक मिड पॉइंट पर अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल रख देता हूँ क्यू नॉट, ये क्यू नॉट कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। कैसे, ये क्यू इस क्यू नॉट को क्या करेगा, अगर ये पॉजिटिव है और ये भी सपोज पॉजिटिव है तो क्यू क्यू नॉट को इधर रिपेल करेगा, ये क्यू इस क्यू नॉट को इधर रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो क्यू इस क्यू नॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ये क्यू भी इस क्यू नॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, तब भी दोनों फोर्स क्या हो रहे थे, कैंसिल हो रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, आइडेंटिकल मतलब दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस कंडीशन में सेंटर पर दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के सेंटर पर, मिड पॉइंट पर अगर मैं कोई भी चार्ज रख दूं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि अब बताइए इस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, तो दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, फिक्स रखे हैं, तो इनके ठीक सेंटर पर ही, इनके ठीक मिड पॉइंट पर ही क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब जरा सेकंड पॉइंट देखें, इन सब की जरूरत पड़ने वाली है इसलिए ध्यान से सुनना। एक मेरे पास क्यू वन चार्ज है, एक क्यू टू चार्ज है, दोनों की नेचर सेम है, नेचर सेम मतलब दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, नेचर सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। एक Q1 Q2 दिए हुए हैं, इनके मैग्नीट्यूड टोटल डिफरेंट हैं, और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हैं तो कोई एक छोटा होगा कोई एक बड़ा होगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मॉड ऑफ Q1 इज लेस देन मॉड ऑफ Q2, मींस Q1 की न्यूमेरिकल वैल्यू Q2 से कम है मान लो। ठीक है, अब इस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा,
देखो दोनों बराबर थे तो सेंटर पे मिल रहा था, लेकिन अब ये वाला चार्ज छोटा हो गया, तो इसके कारण इस पे लगने वाला, अगर ये बीच में भी प्लस होता, रिपल्सिव फोर्स कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू कम हो गई ना, और इधर वाला चार्ज Q2 इससे ज़्यादा है, तो ये इसको ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, तो क्या होगा, इस साइड शिफ्ट होने लगेगा। जब इधर लेफ्ट में शिफ्ट होने लगेगा तो देखो Q2 और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही होगी, मतलब ये रिपल्सिव फोर्स कम होगा और इधर वाला रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है, समझ रहे हैं। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये बढ़ते बढ़ते और ये कम होते होते ऐसा हो जाएगा कि कहीं पर दोनों आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड के हो जाएंगे, और अपोजिट तो थे ही, तो वहां पर क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। तो मतलब अब न्यूट्रल पॉइंट यहां कहीं मिलेगा, ये न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास नेचर सेम है, नेचर सेम है दोनों चार्जेस की और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो हमेशा न्यूट्रल पॉइंट जो कम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है उसकी तरफ ही मिलता है, ठीक है, जो कम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उसकी तरफ ही क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अब एक थर्ड पॉइंट की बात करें, मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 एंड Q2 और दोनों की नेचर अपोजिट है, सपोज ये माइनस है ये प्लस है, और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट डिफरेंट है, नेचर भी अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो अब अगर मैं इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर अंदर अगर मैं इक्विलिब्रियम चेक करूं, न्यूट्रल पॉइंट निकालूं, तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आप अगर कहीं पर भी कोई चार्ज पार्टिकल रख दें इन दोनों के बीच में, सपोज यहां रख दिया, तो उस केस में क्या होगा, मान लो Q0 रखा प्लस है ये, तो माइनस का Q1 इस Q0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और Q2 इस Q0 को रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब Q1 और Q2 के बीच में तो ये फोर्स कैंसिल नहीं हो सकता, समझ रहे हैं, हो सकता है क्या। तो जब ये फोर्स कैंसिल नहीं हो पा रहा है तो इन दोनों के बीच में तो कहीं नहीं मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, और माइनस का Q1 है ये प्लस का Q2 है, और मैं यहाँ पर फिर से वही मान लेता हूँ मॉड ऑफ Q1 इज लेस देन मॉड ऑफ Q2, क्योंकि मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट थे। यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान देना, मतलब माइनस वाला छोटा नहीं है, समझ रहे हैं, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर -4 है, -4 माइक्रो कूलाम है, और इधर प्लस का 2 माइक्रो कूलाम है, तो ये प्लस का 2 माइक्रो कूलाम छोटा होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, ना कि प्लस माइनस की, ठीक है। चलिए तो अब इसमें कहाँ मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, अब जरा थोड़ा सा अपनी समझ से देखो कि कहाँ मिल सकता है। मान लो इधर तो मिल नहीं रहा, दोनों के बीच में तो मिल नहीं रहा, अब अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज रखूँ, सपोज टेस्ट चार्ज रख दूँ यही Q0 प्लस का, तो इस Q0 पर प्लस Q0 पर ये माइनस Q1 क्या करेगा, ये फिक्स है तो क्या करेगा, अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा, मान लो F1 फोर्स से, ये Q2 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये प्लस का था F2 फोर्स से, तो ये दोनों अपोजिट आ गए। अब अगर यहाँ Q1 से ये डिस्टेंस को मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूँ तो क्या हो जाएगा कि ये F1 और F2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो पहले ही हम डिसाइड कर चुके कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहाँ मिलता है, छोटे वाले चार्ज की तरफ मिलता है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज की तरफ मिलता है। तो Q1 और Q2 में ये Q1 स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है, मतलब यहाँ इसकी तरफ कहीं ना कहीं चार्ज, इसकी तरफ कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इस माइनस Q1, क्योंकि Q1 की वैल्यू छोटी थी, तो यहाँ कहीं आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो हम क्वेश्चन में डिसाइड करेंगे कितनी डिस्टेंस पर मिलेगा, लेकिन मिल रहा है कि नहीं वो चेक हो रहा है, क्योंकि माइनस Q1 इस प्लस Q0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और प्लस Q2 इस Q0 को रिपेल करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हैं, इसका मतलब दोनों फोर्स यहाँ पर कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। तो अब ये इसमें थर्ड पॉइंट में कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, और
एक का मैग्नीट्यूड कम है, एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो दोनों को मिलाने वाली लाइन के बाहर किसी पॉइंट पर, उसी लाइन के अलोंग लेकिन बाहर किसी पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, छोटे वाले चार्ज की तरफ मिलेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, लेकिन नेचर अपोजिट है। ये कंडीशन अगर मिल जाती है तो आप कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकाल सकते। माइनस क्यू और प्लस क्यू फिक्स हैं, अब जरा चेक करो इन दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा क्या? मिल नहीं सकता। यहां अगर मैं चेक करूं, आपको लग सकता है कि माइनस क्यू इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा F1 से और प्लस क्यू इसको रिपेल कर रहा होगा F2 से, लेकिन क्या F1 F2 अपोजिट तो हैं, लेकिन क्या F1 F2 बराबर हो सकते हैं कभी भी किसी केस में? क्योंकि कैंसिल करने के लिए तो इक्वल होना चाहिए ना। देखो अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ तो माइनस क्यू से इसकी डिस्टेंस कम है, प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये वाला F1 ज़्यादा होगा, F2 बहुत कम होगा। इधर कहीं भी खिसका लो पूरे पर, ये वाला इसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, इसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है। ऐसे इस साइड खींच के देख लो, यही कंडीशन यहाँ लगेगी। मतलब इस केस में कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, नो न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो ये चार कंडीशन होती हैं न्यूट्रल पॉइंट की। आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आइडेंटिकल चार्ज हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है? ठीक सेंटर पर, मिड पॉइंट पर फिक्स होना चाहिए आइडेंटिकल चार्ज। सेकंड, अगर मैग्नीट्यूड में डिफरेंट हैं लेकिन नेचर सेम है तो छोटे वाले चार्ज की तरफ, लेकिन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अंदर ही। ठीक है, अगर यहाँ पर नेचर अपोजिट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो लाइन के बाहर मतलब चार्जेस के बाहर अलोंग दी लाइन, लेकिन छोटे वाले चार्ज की तरफ। फोर्थ, अगर नेचर भी अपोजिट और मैग्नीट्यूड भी सेम, नेचर अपोजिट मैग्नीट्यूड सेम, तो कहीं पर भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझ ली, न्यूट्रल पॉइंट समझ लिया। फिर अभी देखते हैं कि न्यूट्रल, हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप की होती है और उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट कर लें, छोटे छोटे डेफिनेशन मैं आपको डिक्टेट करा देता हूँ। पहले लिख लो इक्विलिब्रियम, दैट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स अगर जीरो हो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम हम देखेंगे एक चार्ज की हो सकती है, पार्टिकल की हो सकती है, और एक पूरे सिस्टम की हो सकती है। ठीक, तो इसमें नीचे लिख लो जिसे ध्यान रहेगा, इक्विलिब्रियम ऑफ पर्टिकुलर चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ पर्टिकुलर चार्ज देखिए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, पहली होती है स्टेबल, कौन सी होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सेकंड होती है अनस्टेबल, और थर्ड की हम बात करेंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पहले ये समझ लो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ये कैसे समझें, कैसे दिमाग में बिठाएं, अनस्टेबल क्या होगा, स्टेबल क्या होगा? तो इसके लिए एक मैकेनिक्स का एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर हम चार्ज की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पर एक बाउल है, ठीक है ऐसा, और इसके अंदर हमने एक छोटी सी एक ग्लास की बॉल डाल दी, हाँ ठीक है। अब ये रेस्ट में है, बोलो ये बॉल रेस्ट में होगी कि नहीं होगी? अच्छा रेस्ट में है, और इस पर नेट फोर्स क्या है?
जीरो, तो मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो है। हालांकि अगर रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में हो सकती है, लेकिन अगर मूविंग भी है तब भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, लेकिन क्या कंडीशन चाहिए फिर? नेट फोर्स जीरो चाहिए, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए। लेकिन अभी तो रेस्ट में ही है तो मतलब इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो है, एम जी नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर लगेगी, इसमें यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएंगे। ये पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसलिए सिस्टम में ये वाला इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये स्टेबल है अनस्टेबल है, इसको चेक करने के लिए क्या करना है कि अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इस पार्टिकल को या इस बॉल को थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं वहां से छोड़ दिया, तो ये फिर से थोड़ा घूम करके फिर से अगर उसी जगह पर आ जाए जिस जगह पर इक्विलिब्रियम थी, मतलब इसको डिस्प्लेस कर दें अगर हम इक्विलिब्रियम से, तो थोड़ी देर बाद या जैसे ही तुरंत ही क्या कर ले वो अपनी इक्विलिब्रियम को फिर से रीगेन कर ले, तो इसको बोलेंगे हम क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप देख रहे हैं ये अगर ग्राउंड है तो ये ग्राउंड पर ही ये टच में है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी? मिनिमम होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। अब आप बात करें मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरम की, तो मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम में आपने डिफरेंशियल में पढ़ा था कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को हमें मिनिमम या मैक्सिमम करना है तो उसका डिफरेंशियल अननोन क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब उसकी स्लोप क्या होना चाहिए? जीरो। और अगर मिनिमम को चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक बार और डिफरेंशियल करो, एक बार और डिफरेंशियल करें तो पॉजिटिव आना चाहिए, तब हम बोलेंगे क्या कि ये कैसी है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो अगर हम एनर्जी के केस में लें तो इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए? डी यू ओवर डी आर बराबर जीरो तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? डी यू ओवर डी आर इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स जीरो हो रहा है, क्योंकि फोर्स और एनर्जी में, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन आपको पता है ना, एफ इक्वल टू क्या होता था? माइनस डी यू ओवर डी आर। ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात कर रहे हैं तो एफ तो जीरो है, अब एफ जीरो है तो डी यू ओवर डी आर भी जीरो होना ही चाहिए। तो तीनों टाइप की इक्विलिब्रियम में क्या होगा? डी यू ओवर डी आर तो जीरो होगा ही। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशियल आर के रिस्पेक्ट में जीरो होगा ही। लेकिन स्टेबल की अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो एक बार डी यू ओवर डी आर जीरो हो गया, मतलब स्लोप जीरो हो गया। अब हम इसका एक बार और डिफरेंशियल कर लें, एक बार और डिफरेंशियल करें, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर, ये अगर कैसा आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो क्या बोलेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ रहे हैं? अब अगर चार्ज की बात करें तो कहीं पर अगर चार्ज रखा हुआ है इक्विलिब्रियम पोजिशन पर और उस चार्ज को डिस्प्लेस कर दो कहीं पर किसी डायरेक्शन में, फिर छोड़ दो, तो फिर से अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले तो क्या हो जाएगा? वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। उसके अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे। अनस्टेबल की बात करें तो अनस्टेबल में अगर इसको मैं उल्टा रख दूं, ऐसे ये रख दिया और बॉल को यहाँ पर धीरे से रख दीजिए, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तब रखी जाएगी, ठीक है, बैलेंस करा दो। जैसे हमने बैलेंस करा दी तो ये रेस्ट में है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। अब अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराऊं, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में ये चलती हुई चली जाएगी, लौट करके अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर नहीं आएगी। मतलब ये अब अपनी इक्विलिब्रियम को रीगेन नहीं करेगी, वो जो है सीधे सीधे जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में चली गई। तो अब यहां पर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, क्योंकि यहां पर स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि बार जब कुछ भी डिस्टर्ब कर दो तो इक्विलिब्रियम हो तो स्टेबल है, लेकिन हम जरा सा भी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो
उसकी इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब हो गई, मतलब वो कैसी रही, अनस्टेबल रही। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी, देखो इसको अगर मैं ग्राउंड मान लूं तो इन दोनों केस में इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि ग्राउंड से कुछ पर्टिकुलर हाइट पर है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। तो अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ये ढंग से रटा होना चाहिए, ठीक है। इक्वल, अब देखो इसमें डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, जब मैक्सिमा की बात करते हैं तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, समझ रहे हैं। अब आ जाओ न्यूट्रल, न्यूट्रल में ये टेबल मान लो, एक टेबल रखी हुई है, इस टेबल पर अगर मैं एक यहाँ पर कोई भी एक बुक रख दूँ या डस्टर रख दूँ, कोई भी ब्लॉक रख दूँ, तो ये रेस्ट में रखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में है। अब इसको जरा इधर डिस्टर्ब करो, जहाँ तक डिस्टर्ब करेंगे ना तो ये आगे जाएगा और ना लौट करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। जहाँ तक आपने डिस्प्लेस किया हर जगह पर इसकी इक्विलिब्रियम रहेगी, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ थोड़ा डिस्प्लेस कर दो यहाँ भी रेस्ट में रहेगा, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, हर जगह पर इसकी इक्विलिब्रियम रहेगी, ठीक है। तो ना तो वो स्टेबल है ना अनस्टेबल है, मतलब ना तो लौट के आ रहा और ना ही कंटिन्यूस, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है उस डायरेक्शन में कंटिन्यूस जा रहा, हम जहाँ तक डिस्प्लेस कर रहे हैं छोड़ देते हैं वहीं रुक जाता है, मतलब वहाँ इक्विलिब्रियम ले लेता है, फिर और आगे धक्का दे दिया वहाँ रुक गया, वहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गई, मतलब इसकी इक्विलिब्रियम हर जगह पर कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या है, ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, जो भी है कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ग्राउंड पर रखा हुआ है तो हर जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी इसमें होती है कॉन्स्टेंट। अब पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो डी यू ओवर डी आर क्या आएगा, यू कॉन्स्टेंट है तो बोलो क्या आ जाएगा, केवल यही रहेगा बस, जीरो, ठीक है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल जीरो, समझ रहे हैं। तो ये तीन कंडीशन इसमें आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, ये फटाफट कॉपी कर लो एज इट इज। अब देखिए चार्ज के केस में हम समझते हैं इक्विलिब्रियम, और इसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको बताता हूं, फिर बुकलेट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास दो चार्ज हैं Q और Q, ठीक है, कैसे हैं, आइडेंटिकल रख दिए और दो इक्वली हैं, आइडेंटिकल हैं, और यहाँ पर ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ठीक सेंटर पर एक मैं प्लस Q चार्ज रख रहा हूँ, ठीक है, क्या कर दिया मैंने, ठीक सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, और यहाँ पे जो प्लस क्यू, ये कैपिटल क्यू है, ये सपोज ए पॉइंट पर रखा है और ये बी पॉइंट पर रखा है, ठीक है, और ये बाईसेक्टर है, इसका नेम देता हूँ सी डी, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो प्लस क्यू चार्ज बीच में रखा है ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, है, कौन सी इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, मैं कहूँगा अनस्टेबल है। अब आप कहोगे अनस्टेबल है तो मैं कहूँगा स्टेबल है, बोलो, क्योंकि बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने ये तो बताई नहीं कौन सी एक्सेस के अबाउट, समझ रहे हैं ना, तो इसमें एक एक्सेस के अबाउट तो होगी वो स्टेबल, और वही चार्ज दूसरी एक्सेस के अबाउट अनस्टेबल हो सकता है। देखो समझ आ रहा है कि अगर ये प्लस क्यू है और मैं अलोंग ए बी देखूं, एक्स एक्सिस के अलोंग देखूं, ए बी के अलोंग देखूं, तो आपका आंसर सही है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, बीच में क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। अब इस प्लस क्यू को अगर मैं इधर धक्का दे दूं तो इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल में ये पॉजिटिव है, यहाँ पर मैं
पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा? और अच्छा चलो नेगेटिव ले सकते हैं क्या? मान लो अगर दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव हैं तो क्या सेम केस बनेगा क्या? पहले चेक करते हैं, दोनों ही प्लस हैं, ठीक है, तो क्या होगा? पहले प्लस के लिए चेक करते हैं, राइट। अगर बीच में प्लस क्यू चार्ज है, वो दोनों प्लस हैं, तो अगर मैं इधर डिस्टर्ब करूं तो प्लस क्यू के बीच में क्या होगा? रिपल्शन बढ़ जाएगा और ये वाला रिपल्शन कम हो जाएगा, तो ये प्लस क्यू फिर से वापस लौटेगा, इस जगह पे आ जाएगा। मतलब ये जो है इस लाइन के अलोंग तो स्टेबल है। यही चार्ज अगर मैं ऊपर डिस्प्लेस करूं, यहां पर प्लस क्यू को ऊपर ले जाऊं, तो जैसे ही प्लस क्यू को ऊपर ले जाऊंगा तो दोनों प्लस क्या उसको अट्रैक्ट करेंगे क्या? नहीं, वो तो और रिपेल करेंगे। ये प्लस क्यू उस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये प्लस क्यू उस पर इधर फोर्स लगाएगा, और एफ और एफ का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा ये, तो ये प्लस क्यू ऊपर चलता चला जाएगा। और इसका कुछ ना कुछ मास है, क्योंकि चार्ज है तो मास जरूर होगा, चलता चला आएगा, जाएगा जाएगा ऊपर और एक जगह रुक जाएगा। क्यों? कहाँ पर रुकेगा? जब ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स ऊपर है वो इसके वेट से बैलेंस हो जाए। वेट तो नीचे लग रहा होगा ना, mg, तो ऊपर जाएगा और F नीचे mg से बैलेंस हो जाएगा, वहां रुक जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है, बीच में भी प्लस है, तो प्लस क्यू चार्ज इस ab के अलोंग तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और cd के अलोंग कैसा होता है? अनस्टेबल में होता है, क्योंकि इसको अगर ऊपर थोड़ा धक्का दिया तो और ऊपर ये जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर ये दोनों प्लस की जगह दोनों माइनस होते, तो दोनों माइनस होते तो इस प्लस को मैं इधर खींचता, तो माइनस का प्लस के साथ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता और इधर वाला अट्रैक्शन कम हो जाता, तो ये इसकी डायरेक्शन में ही चलता चला जाता और ए से चिपक जाता, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता। तो अब क्या होता कि प्लस क्यू इन इस लाइन के अलोंग तो कैसा हो जाता? अनस्टेबल। और ऊपर अगर इसको डिस्प्लेस करता तो ये प्लस क्यू थे, अब माइनस माइनस हैं, तो इस प्लस क्यू को क्या करेंगे? नीचे अट्रैक्ट करेंगे। जब नीचे अट्रैक्ट करने लगेंगे तो इसका मतलब फिर से वो चार्ज यहाँ सेंटर पे आ जाएगा, थोड़ा इनर्शिया के कारण नीचे जाएगा, फिर उसको अट्रैक्ट करेंगे तो इसके अबाउट ऐसे ऑसिलेट करते करते वो सेंटर पर ही रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये CD के अलोंग कैसी हो गई? स्टेबल हो गए। तो कॉन्सेप्ट क्या बना? फाइनली इसका कॉन्सेप्ट बनाए हम ये समझ के, फाइनली कॉन्सेप्ट बना कि अगर ए और बी ये दो चार्ज हैं, ये पॉजिटिव हैं या जिसके कोई सी भी नेचर के हैं, बीच में भी उसी नेचर का चार्ज रखा है, तो ए बी के अलोंग स्टेबल और सी डी के अलोंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। समझ रहे हैं? अब अगर ए और बी पर जिस नेचर के चार्ज रखे हैं उसके अपोजिट नेचर का चार्ज यहां रखा हुआ है सेंटर पे, तो ए बी के अलोंग कैसी होगी? अनस्टेबल, और सी डी के अलोंग स्टेबल होगी। क्लियर होगी बात? समझ रहे हैं? लिखो नोट। इफ टू आइडेंटिकल चार्जेस आर फिक्स्ड, इफ टू आइडेंटिकल चार्जेस आर फिक्स्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, इफ थर्ड चार्ज ऑफ सेम नेचर, इफ थर्ड चार्ज ऑफ सेम नेचर इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट
मिड पॉइंट का मतलब जहां पर न्यूट्रल पॉइंट हो, अगर मिड पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं है तो जहां भी न्यूट्रल पॉइंट है वहां रख दो मिड पॉइंट। देन अलोंग ए बी, अलोंग ए बी इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अलोंग ए बी इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अलोंग सी डी, एंड अलोंग सी डी इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अलोंग सी डी इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पैरा चेंज करो। इफ द थर्ड चार्ज इज ऑफ अपोजिट नेचर, इफ थर्ड चार्ज इज ऑफ अपोजिट नेचर, बीच में जो थर्ड चार्ज रखा है ना वो अपोजिट नेचर का हो, किसके अपोजिट, जो फिक्स थे उसके अपोजिट। ठीक है, देन अलोंग ए बी, देन अलोंग ए बी, अलोंग ए बी इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अलोंग ए बी इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अलोंग सी डी, एंड अलोंग सी डी, एंड अलोंग सी डी इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड अलोंग सी डी इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन अपन करते हैं, और मैं ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए करवा रहा हूँ। कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल या कैसा भी पार्टिकल, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, समझ रहे हैं कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अब उस स्टेबल इक्विलिब्रियम से उसको डिस्टर्ब करके छोड़ रहा हूँ, तो क्या होगा एक्चुअली? आप कहेंगे वहीं पर आ जाएगा दोबारा लौट करके, लेकिन दोबारा लौट के आने के पहले वो किस तरह से मोशन में होगा? हाँ, अगर स्मॉल मैग्नीट्यूड है, स्मॉल एम्पलीट्यूड है, तो वो SHM करेगा। ठीक है, जैसे आपने बाउल लिया था, एक सिंपल सा ग्लास बॉल डाल दी थी उसके अंदर, सेंटर पे थी, रेस्ट पे आ गई थी वो, अब उसको अगर थोड़ा डिस्टर्ब करके इधर ला जाके छोड़ दिया तो वो ऐसे ऑसिलेट करके धीरे धीरे फिर वहीं आ जाएगी। अगर ये ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा ना हो तो ये ऑसिलेशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो यहाँ एक बात अच्छी तरह क्लियर समझ लो आप, कि अगर कोई पार्टिकल या कोई चार्ज पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है किसी जगह पर, और उसको हम उस स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करके छोड़ रहे हैं, तो उस पॉइंट के अबाउट जहाँ पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, उस पॉइंट के अबाउट वो थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा, और ये ऑसिलेशन का अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा ना हो तो ये ऑसिलेशन क्या होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे, और फिर वो वहीं आ जाएगा ऑसिलेट करते हुए। हमें इसमें वो पूछेगा कि चेक करके बताओ कि ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर ये SHM है तो इसका कितना टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इसका कितना है, वो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, एक मैं सिखा रहा हूँ, दूसरा आप अपने आप करिएगा, और टाइम पीरियड जब निकालेंगे तो बताइए कि कब निकाल पाएंगे, कब ऑसिलेट करेगा ये, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल में तो ऑसिलेट करेगा नहीं, तो अनस्टेबल की तो कंडीशन बनी नहीं सकती इसमें, टाइम पीरियड के लिए हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम की ही कंडीशन बनेगी। अब देखो ये HC वर्मा में 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अपनी बुकलेट में भी हैं, तो उसी का एक मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पर Q और Q आइडेंटिकल चार्ज हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, Q और Q क्या हैं, आइडेंटिकल चार्ज हैं। यहाँ पर एक चार्ज है माइनस का Q, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो कहाँ इक्विलिब्रियम में होगा ये,
वाई एक्सेस के अबाउट स्टेबल होगा, कहाँ होगा, वाई एक्सेस अबाउट स्टेबल होगा, ठीक बात है। पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन सी एक्सेस के अबाउट होगा, वाई एक्सेस अबाउट स्टेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऊपर अगर ले जाके छोड़ोगे तो फिर से वो वापस इस ओ पॉइंट के अबाउट ऐसे ऑसिलेट करेगा और बीच में आ जाएगा। समझ रहे हैं कि अगर इसको मैं इस ओ पॉइंट पर रख दूं और ये ए है और ये बी है और ए और बी पर रखे हुए चार्ज फिक्स हैं और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज को सेंटर पर रखा हुआ है इसलिए ये कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन इस माइनस क्यू को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये दोनों चार्ज उसको नीचे पुल करने लगेंगे और फिर से वापस ओ पॉइंट पर लाएंगे, लेकिन ओ पॉइंट पर आने के पहले ये थोड़ा सा ऐसे ऑसिलेट करेगा क्योंकि अपने इनर्शिया के कारण थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ये दोनों इसको ऊपर पुल करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव था, फिर इस तरह से ऑसिलेट करते करते ये सेंटर पे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अगर ये ऑसिलेशन ज़्यादा एम्पलीट्यूड के ना हो रहे हो तो इसका टाइम पीरियड बताओ। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो माइनस क्यू को मैं यहाँ ले आया, थोड़ा समझाने के लिए दूर ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ ले आया, ये एक्स डिस्टेंस पर ऊपर चला गया है और ए और बी के बीच में सेपरेशन था डी, तो ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, डी बाई टू, ये वाला भी डी बाई टू, ठीक है ना। और ये चार्ज कहाँ चला गया, थोड़ा सा इधर चला गया, ऊपर ले गए। अब बताइए ऊपर ले गए तो इस पर कितने फोर्स लग रहे होंगे, कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे बताओ, ये क्यू इस माइनस क्यू को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एफ फोर्स से, ये माइनस क्यू इस क्यू से क्या होगा, ये भी अट्रैक्ट होगा उतने ही फोर्स से क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है, ठीक है। ये एंगल मान लेता हूं मैं थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, बोलो। अब मैं इस एफ के कंपोनेंट करूं, इस एफ के, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ पॉजिटिव, इधर कौन सा होगा, एफ साइन थीटा, इस एफ का कंपोनेंट करो ऐसे, थीटा वाला नीचे कौन सा हुआ, एफ कॉस थीटा, इधर वाला कौन सा होगा, एफ साइन थीटा, ये समझ गए। अच्छा एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल हैं तो कैंसिल हो गए, तो नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल क्या हुआ, नेट फोर्स एफ डैश मान लेते हैं, एक तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है इसलिए माइनस लगा देता हूं, ठीक है, और क्या बनेगा, टू एफ कॉस थीटा, समझ रहे हैं, ये माइनस टू, एफ की वैल्यू क्या होगी जरा बोलो, इन दोनों के बीच में फोर्स, ठीक है, जब ये यहां था तभी तो फोर्स, तो क्या वैल्यू है फोर्स की, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, माइनस क्यू द्वारा नहीं लगाना, माइनस साइन तो वो अट्रैक्शन फोर्स को शो कर रहा है, वो मैंने लगा दिया, ठीक है, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय बोलो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट में कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर और उसका होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा है इस ट्राइंगल में, चलो कॉस थीटा बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना एक्स, हाइपोटेनस ये रही, तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। अब ऊपर आ गया माइनस टू के क्यू क्यू एक्स डिवाइड बाय, ये इससे कट गया, आपको ये पता ही है थोड़ा सा, एक्स रूट एक्स को क्या लिखते हो, एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू लिखते ही हो, है ना, सिंपल मैथ से, तो ये x है
ये रूट एक्स है, तो कितना आ गया, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर टू दी पावर कितना 3/2, समझ रहे हैं, ये एफ डैश हो गया। तो एक्स डिस्टेंस पर इस पर लगने वाला फोर्स इतना है, ठीक है। अब सुनो, अगर ये एक्स बहुत ज्यादा ना हो, कौन सा वाला, ये जो एक्स है, ये एक्स अगर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा ही है, तो इसमें से ये जो एक्स है वो डी के कंपैरेटिवली बहुत बहुत स्मॉल होगा, नेग्लिजेबल होगा। डी बहुत ज्यादा हो और ये ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाए, बहुत कम जाए, ये मान लो 1 मीटर है और ये 0.1 मिलीमीटर ही ऊपर जा रहा है, तो 0.1 तो नेग्लिजेबल है, मतलब एक्स स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर कर दिया, 0.1 का भी स्क्वायर 0.01, तो आप एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर के कंपैरिजन में हटा सकते, निग्लेक्ट कर सकते, तो यहां से एक्स स्क्वायर को निग्लेक्ट करते, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, इसको हटा दिया, क्या बचा, एफ डैश बराबर -2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स, ऊपर से एक्स नहीं हटाना, ध्यान देना, ये डी स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या जाएगा, डी की पावर 3 डिवाइड बाय 4 टू दी पावर 3/2, क्या लिख पाओगे इसको, 4√4 लिख पाओगे, जैसे एक्स रूट एक्स, एक्स की पावर 3/2 था, तो कितना आ गया 8 लिख दूं, यहाँ 8 को ले जाओ ऊपर, -16k बोलो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स बाय डी क्यूब आ गया, आ गया। अब इस फॉर्मूले में देखो एफ डैश इक्वल टू आ रहा है -16k क्यू क्यू एक्स बाय डी क्यूब, तो ये सारा इतना तो कांस्टेंट है, इसको भी मिला लो साथ में, है कि नहीं है, तो एफ डैश इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स आ गया, तो यहां से आ गया एफ डैश इक्वल टू माइनस कांस्टेंट को सपोज के डैश मान लें इनटू एक्स। यही कंडीशन किसकी है, एसएचएम की है, पढ़ा था 11th में कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ हो, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, तो ये कंडीशन किसकी होती है, एसएचएम की होती है, मतलब एफ इक्वल टू माइनस के एक्स की जो कंडीशन है वो एसएचएम की कंडीशन है, वो यहाँ पर प्रूफ हो गया कि ये एसएचएम है। अब एसएचएम है तो टाइम पीरियड क्या होगा, अब टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए देखो फार्मूला, हम निकालते थे 2π अंडर रूट LG, वो सिंपल पेंडुलम का था, चलो उसी से ध्यान आ जाएगा, L मीन्स डिस्प्लेसमेंट और नीचे G मीन्स एक्सिलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सिलरेशन होता है, एक्सिलरेशन को मैं मान लूँ A, ठीक है। तो T इक्वल टू 2π अंडर रूट XA, इस फार्मूले से हम टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, तो हमारे पास तो देखिए एक्स अपॉन ए किसी तरीके से आ सकता है क्या, एफ डैश इक्वल टू इतना आया, ध्यान देना, एफ डैश ये था, एफ डैश को मैं एम ए लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं, अब केवल मैं मैग्नीट्यूड लूंगा, माइनस प्लस नहीं, एम ए इक्वल टू कितना हो गया 16k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स बाई डी क्यू, इस एम से डिवाइड कर दूँ तो ए इक्वल टू क्या आ गया 16k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन कितना बोलो एम डी क्यूब आ गया। इधर से एक्स वाई ए निकाल लो, बोलो एक्स वाई ए कितना आएगा, एक्स बाई ए कितना आएगा, एक्स डिवाइड बाय एम डी क्यूब डिवाइड बाय 16k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये आ रहा है एक्स अपॉन ए आ गया एम डी क्यू अपॉन 16k क्यू क्यू, ये एक्स अपॉन ए आ गया। अब मुझे तो टाइम पीरियड चाहिए था, तो ये वैल्यू मैं रख देता हूँ उसमें टाइम पीरियड में, तो कितनी हो गई टी इक्वल टू 2π अंडर रूट, बोलो एक्स वाई ये कितना आया एम डी क्यूब डिवाइड बाय 16k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यही हमारा आंसर आ गया।
ठीक है। अब क्या होता है कि ये मैंने आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाया है, बताया है। अब इतना बड़ा हालांकि मेडिकल एंट्रेंस में नहीं मिलेगा, लेकिन इसके छोटे छोटे टुकड़े मिल सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े क्या, इस सवाल को कई पार्ट में आप तोड़ सकते हैं। वो पूछ सकता है सबसे सिंपल क्वेश्चन, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक है, ये रखे हुए हैं, बीच में माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो बताइए इक्विलिब्रियम कहाँ होगी, जो पहला सिंपल सा पार्ट हो गया, तो बाई एक्सिस के अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। अगर वो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे सिंपल, तो यही पूछेगा कि वाई एक्सिस के अबाउट इक्विलिब्रियम होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस कर दें तो उस जगह पर नेट फोर्स क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेट फोर्स यहाँ तक निकाल देंगे, ठीक है। फिर वो पूछ सकता है, आगे और बढ़ाएगा कि अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है और वो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डी से बहुत कम है, तो फिर नेट फोर्स क्या है। तो फिर नेट फोर्स ये है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस 16 के क्यू क्यू एक्स अपॉन डी क्यू। फिर अगला और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए SHM है या नहीं है। तो क्योंकि यहाँ एफ डैस इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है, तो बिल्कुल SHM है, ठीक है। फिर पूछ सकता है वो, चलिए SHM है तो टाइम पीरियड क्या है। तो फिर टाइम पीरियड के लिए आगे आपको जो मैंने किया है, F को आपको MA लिखना पड़ेगा, A की वैल्यू निकालनी, X अपॉन A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसमें रख देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा X अपॉन A वाले में। फिर वो पूछ सकता है कि ये वाला तो आंसर में है ही नहीं है, तो K की वैल्यू क्या रखी होगी, 1/4πε0, उसको कैलकुलेट करके लिख देना। तो इस तरह से बहुत सारे इसके क्वेश्चंस, इसी छोटे से, इसी बड़े से क्वेश्चंस में से कई पार्ट बन सकते हैं, और जेई मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, जेई मेंस में सीधा आता है। तो क्या होता है, जेई मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, एक घंटे का आपके पास समय रहता है, तो आसानी से आप थोड़ा समय लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन नीट में, एम्स में, या नीट में अपन बात करें तो 45 क्वेश्चन आते हैं और आपको एक घंटे में सॉल्व करना चाहिए, लेकिन आपको एक घंटा भी नहीं मिलता, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आप पूरा समय दे देते हो, तो पता चला फिजिक्स लास्ट में की तो आधे घंटे ही मिले, है ना, यही होता है अक्सर। तो इसलिए फिजिक्स में तो आपको कम से कम एक सवा घंटा चाहिए, तो इसलिए आप जो बायो में और केमिस्ट्री में जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। बायो तो मुश्किल से 50 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए, 90 क्वेश्चंस, है ना, 45 से 50 मिनट, इससे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आप कर लो तब जाके आप फिजिक्स एक सवा घंटा निकाल पाओगे लास्ट में, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ, लिखिए। If two positive charge capital Q fixed, लिखवा दिया क्या इसका, मैंने अभी नहीं लिखवाया ना, fixed at some distance apart and minus Q charge is placed at point O. If it is displaced upward, for small displacement, then find time period of oscillation. अब कॉपी कर लो, चलिए क्वेश्चंस करते हैं, लिखो। टू पॉइंट चार्जेस ऑफ 16E 16 16
टू पॉइंट चार्जेस ऑफ 16E एंड स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 16E एंड स्मॉल ई आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट. फाइंड ऐसा लिखो, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है. मैं आपको इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन दे रहा हूं. एक क्वेश्चन है कि यहां पर दो चार्ज हैं क्यू और क्यू. ठीक है, कौन से चार्ज दे दिए, क्यू और क्यू. तो उसने कहा इन दोनों पे के आसपास या बीच में कहां पर एक थर्ड चार्ज रख दें कि वो चार्ज खुद कैसा हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए और ये दोनों फिक्स हैं, ये फिक्स पर रखें. ठीक है, तो इसके लिए हमने इसकी वैल्यू भी दे रखी है, तो उसी वैल्यू की वही लिख देता हूँ मैं. तो क्वेश्चन है इसमें कौन कौन से चार्ज आपके पास थे बोलो, एक तो 16E और एक E. ठीक है, मतलब ये प्लस 16E और E आपस में एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर फिक्स है. ठीक है, क्वेश्चन है कि थर्ड चार्ज कहाँ रख दें कि वो चार्ज, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए. तो उसके लिए पहले तो सोचो कि कहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर और छोटे वाले चार्ज की तरफ, यहाँ कहीं मिलेगा. ठीक है, ये भी प्लस ही है, यहाँ मिलेगा. तो मान लो इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर मिल रहा है, करेंगे कैसे वो समझ लो. यहाँ से कितने पर मिल रहा है, एक्स पर. तो ये वाली डिस्टेंस कितनी रह गई, 12 माइनस एक्स, ये रह गई. ठीक है, और यहाँ पर थर्ड चार्ज लिख दिया मैंने क्यू नॉट, राइट. अब एक काम करें, इस क्यू नॉट पर नेट फोर्स जीरो चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा. तो ये प्लस का 16E इस प्लस क्यू नॉट पर इधर फोर्स लगाएगा. ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इस फोर्स से रिपेल कर रहा है F1 से, और ये प्लस ई, ये भी प्लस है, प्लस ई इस प्लस ई को इधर, प्लस ई इस प्लस क्यू नॉट को इधर रिपेल करेगा, वो हो गया कौन सा, F2. अब बस F1 और F2 क्या हो जाएं, आपस में इक्वल हो जाएं, अपोजिट तो है ही, तो हमारे पास नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. चलिए इक्वल करें, F1 इन दोनों के बीच में था, क्या हो जाएगा, K16E इंटू कितना, क्यू नॉट डिवाइड बाय क्या बोलो, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू F2 इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, K स्मॉल e इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. कैंसिल कर लो, K से K चला गया, e क्यू नॉट से e क्यू नॉट चले गए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, 16 का क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 12 माइनस एक्स, इधर 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया, 4x इक्वल टू 12 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 12 माइनस एक्स. अब आपको तो x चाहिए, x को इधर ले लो, 5x इक्वल टू कितना हो गया, 12, ये हो जाएगा. तो x इक्वल टू क्या आ गया, 12 बाई 5 सेंटीमीटर, यही आंसर आ गया. तो 12 बाई 5 कहाँ से आया, प्लस ई से, तो 16E से पूछें तो 12 में से माइनस कर देना. ठीक है, अब इसको इतना ऐसे भी कर सकते हैं, वो तो ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड हो गई. आप इसको अगर डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, देखो एक फार्मूला ही मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसको मैं Q1 मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, Q2 मान लूँ,
और ये न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ कहीं, तो Q1 से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई R1 और Q2 से डिस्टेंस कितनी हो गई R2। ठीक है, ध्यान देना। तो जरा इस फॉर्मूले में देखते, दोनों को बराबर करते तो क्या आता, K Q1 इंटू Q0 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या आता, K Q2 इंटू कितना Q0 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर, क्या कैंसिल हो जाता, K कैंसिल और Q0 भी कैंसिल, तो फाइनली क्या बचता, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, यही बचता। तो हम इसको ऐसे याद कर लें, Q1 बाई Q2 इसको इधर खींच लें, इक्वल टू क्या आ गया, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। तो सिंपल ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो इक्विलिब्रियम के लिए, कि अगर मान लीजिए Q1 Q2 दो चार्ज हैं और बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कहाँ पर हम थर्ड चार्ज को रख दें जिससे कि क्या आ जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए वो पार्टिकल, तो हम Q1 बाय Q2 इक्वल टू R1 बाय R2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, करिए। अब आप डायरेक्ट करना ऐसे, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ -3 माइक्रोकूलम, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ -3 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम विच आर 1 मीटर अपार्ट, विच आर 1 मीटर अपार्ट, फाइंड आउट न्यूट्रल पॉइंट पोजिशन, फाइंड आउट न्यूट्रल पॉइंट पोजिशन ऑन देयर ज्वाइनिंग लाइन, ऑन देयर ज्वाइनिंग लाइन। बताओ, देखिए ये क्वेश्चन है सेकंड, आपके पास कितने चार्ज हैं, सेकंड क्वेश्चन है, 2 चार्ज हैं, कौन कौन सी वैल्यू के, एक तो है -3 माइक्रोकूलम और एक और क्या दिया है, 9 माइक्रोकूलम प्लस का। ठीक है, और ऐसे ये फिक्स है। अब वो पूछता है कहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, अच्छा कितनी डिस्टेंस पर है ये, 1 मीटर पर फिक्स है, बोलो कहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, पहले तो थोड़ा सा गैस करो कहां मिल सकता है, इन दोनों में जो छोटा है, छोटा कौन है, इधर मिलेगा बाहर, ठीक है इसी लाइन ज्वाइनिंग पर बाहर मिलेगा, इस जगह पर ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, न्यूट्रल पॉइंट पर एक कोई चार्ज रख देता हूँ, ठीक है Q0 रख देता हूँ। चलिए, तो ये पहला जो था इससे यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई कितनी, R1, जो कि अपने को निकालनी है, तो निकालनी है तो R1 को मैं चाहूँ तो X मान लूँ, X निकालना था, राइट। और इस 9 माइक्रोकूलम से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 1 प्लस X, तो ये हो गई कितनी, 1 प्लस X। ठीक है, अब सीधा फार्मूला अप्लाई कर दूं, क्या फार्मूला था देखते हैं, क्या फार्मूला था, Q1 बाई Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। Q1 कौन, 3, माइनस नहीं लिखना, माइनस तो नहीं लिख दिया जाता, माइनस नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, 3 डिवाइड बाय कितना, 9 इक्वल टू R1, मतलब -3 से न्यूट्रल पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, X। R2 मतलब सेकंड वाले चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट तक की डिस्टेंस, 1 प्लस X होल स्क्वायर, राइट। 3 से ये कैंसिल कर दो, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, क्या आ जाएगा, 1/√3 इक्वल टू X अपॉन 1 प्लस X, यही आ रहा है, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस X, इधर क्या हो जाएगा, √3 X, आपको निकालना है X, X को इधर खींच लें,
वन इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन इंटू एक्स, ये आ जाएगा। एक्स को इधर ले जाओगे तो रूट थ्री एक्स माइनस एक्स, एक्स कॉमन आ गया। क्या चाहिए अपने को? एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? वन बाई रूट थ्री माइनस वन। या तो ये आंसर लिख लो, या इसको हम रेसलाइज भी कर सकते थे, रेसलाइज। तो ये x इक्वल टू वन बाय रूट थ्री माइनस वन, ये कहाँ से आया? थ्री माइक्रो कूलाम से। इतना अगर कोई इससे पूछे तो वन ऐड कर देना, ठीक है ना। तो अभी तक हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एक थर्ड चार्ज को प्लेस कर रहे हैं और उस थर्ड चार्ज की लोकेशन पूछ रहा है वो, कि कहाँ पर रखा जाए, मतलब वो न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन पूछ रहा है। तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे, ठीक है। थर्ड चार्ज की लोकेशन पूछेंगे तो ऐसे करेंगे। एक और ऐसा ही आपकी बुकलेट में 12th नंबर का क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 25 माइक्रो कूलाम एंड 36 माइक्रो कूलाम इज 11 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 25 सेंटी माइक्रो कूलाम एंड 36 माइक्रो कूलाम इज 11 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू, एट व्हाट पॉइंट द लाइन जॉइनिंग द टू इंटेंसिटी विल बी जीरो, इंटेंसिटी विल बी जीरो। चलिए ठीक है, ये यहाँ पर पहला चार्ज कौन सा दे दिया, पहला चार्ज कौन सा दे दिया 25 और दूसरा है 36। तो ये हो गया 25 माइक्रो कूलाम और ये हो गया 36 माइक्रो कूलाम। कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं? 11 सेंटीमीटर पर। वो पूछ रहा है कहाँ पर इंटेंसिटी जीरो है। इंटेंसिटी जीरो हो, फोर्स जीरो हो, इक्विलिब्रियम हो, एक ही बात है। मतलब वो क्या पूछ रहा है कि किसकी लोकेशन पूछ रहा है? न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन पूछ रहा है। जहाँ इंटेंसिटी जीरो होगी वहाँ फोर्स भी जीरो होगा, वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसलिए वो लोकेशन पूछ रहा है किसकी? न्यूट्रल पॉइंट की। तो बताओ जरा लोकेशन कहाँ होगी, पहले तो वैसे ही बताओ। छोटे वाले चार्ज की तरफ 25 से सपोज x डिस्टेंस पर यहाँ हुई, तो ये x है तो ये बाकी कितना बच गया? 11 माइनस x। सिंपल फार्मूला, q1 बाय q2 इक्वल टू r1 बाय r2 होल स्क्वायर। q1 कितना? पहला वाला 25, q2 कितना? 36, r1 कितना? पहले से यहाँ तक डिस्टेंस x, दूसरा 11 माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो आप, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्या आ जाएगा ये? कित 5/6 इक्वल टू एक्स अपॉन 11 माइनस एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 6x इक्वल टू 55 माइनस 5x, कितने हो गए? 11x इक्वल टू 55, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम 25 माइक्रो कूलाम, 25 माइक्रो कूलाम से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और 36 से निकालोगे तो 11 माइनस 5 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? कौन सा आंसर है बोलो? ए हो जाएगा। तो ये तीन क्वेश्चन हमने किए जिसमें हमें लोकेशन पता करनी थी न्यूट्रल पॉइंट की। अब मैं आपको बता रहा हूँ अगले क्वेश्चन जिनमें हमें किसी पर्टिकुलर चार्ज की वैल्यू पता करनी होती है और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो अब नोट लिख लो और या हेडिंग लिख लो, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इफ द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज If the whole system is in equilibrium, to find the value of charge
इफ द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आपको यह तो पता है ही कि अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या करना पड़ेगा? नेट फोर्स जीरो हर चार्ज पे करना पड़ेगा। जितने सिस्टम में जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं हर चार्ज पर हमें नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो, देयर आर टू आइडेंटिकल चार्जेस, ईच वन इज कैपिटल क्यू। देयर आर टू आइडेंटिकल चार्जेस, ईच वन इज कैपिटल क्यू, विच आर पुट स्मॉल आर डिस्टेंस अपार्ट। देयर आर टू आइडेंटिकल चार्जेस, ईच वन इज कैपिटल क्यू, विच आर पुट स्मॉल आर डिस्टेंस अपार्ट ऑन द जॉइनिंग लाइन ऑफ देम। A charge small q is put such that the system is in equilibrium find out nature as well as magnitude of small charge q क्या लिखा? There are two identical charges, each one is q, which are put r distance apart on the line joining of them. A charge small q is put at the midpoint, such that the system is in equilibrium. Find out nature as well as magnitude of small charge q. देखो, उसने बोला दो identical charges हैं। अगला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन फोर्थ, हमने क्या किया? दो चार्ज लिए आइडेंटिकल, कितनी डिस्टेंस पर रख दिए, बोलो? आर डिस्टेंस पर रख दिए, ठीक है, आर डिस्टेंस पर बने रहने दो। एक थर्ड चार्ज उसने लिया जिसकी वैल्यू क्या है पता नहीं है, ठीक है। तो थर्ड चार्ज जिसकी वैल्यू पता नहीं है, सपोज वो स्मॉल क्यू है, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और उसने इस मिड पॉइंट पर रख दिया है लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। तो यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन कितना हो गया? R/2, ये वाला भी R/2। अब ये दोनों फिक्स नहीं है। उसने कहा कि कैपिटल क्यू दो चार्ज आर डिस्टेंस पर रख दिए, छोड़ दिए, फ्री छोड़ दिए, और एक बीच में रख दिया ये वाला। उसने कहा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो बताइए कि इस मिडिल पे जो चार्ज रखा हुआ है, मिड पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ, उसकी वैल्यू क्या है और नेचर क्या है। तो पहली बात तो ऐसे सोचेंगे कि जब पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो सिस्टम में जितने चार्ज हैं हर चार्ज पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो आपको एक एक करके चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करना, जो कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ, ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, एक एक करके चेक करने के बजाय केवल क्या कर लें, जो कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, ये कॉर्नर पर रखा है, यहां पर, यहां जो एक्सट्रीम एंड पर जो चार्ज रखा हुआ है, किसी भी एक एक्सट्रीम एंड पर चार्ज पर नेट फोर्स जीरो बता दो, उसी से आपकी वैल्यू या क्यू की वैल्यू निकल आएगी। अब आपको इस पर नेट फोर्स बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। अपने को तो क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान देना जब लोकेशन निकालनी होती है तो
तो हम जो बीच में चार्ज रखते हैं, न्यूट्रल पॉइंट जहां पर रखते हैं, जहां भी न्यूट्रल पॉइंट होगा वहां पर नेट फोर्स जीरो करते हैं। और जब पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात करनी है और किसी चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो जो कॉर्नर पे एक्सट्रीम एंड है वहां पर नेट फोर्स जीरो कर दो बस। तो ये इतना सा ध्यान रखना है। मान लो इस पर नेट फोर्स जीरो करूं, इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा बोलो? एक तो ये कैपिटल क्यू लगाएगा इधर, तो रिपल्सिव लगाएगा, इधर हो गया एफ वन, ठीक है। अब इस एफ वन को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव है क्वेश्चन में दिया है, इस एफ वन को कैंसिल करने के लिए ये स्मॉल क्यू कैसा होना चाहिए? नेगेटिव 100% होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो इसको पुल कर पाएगा। अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए और ये पहले से ही पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे और नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। तो ये नेगेटिव होना ही चाहिए, ये पहले से ही हमें फिक्स हो गया, इसलिए ये वाला चार्ज इस क्यू को इधर पुल कर पाएगा। तो ये एफ टू हो गया और अब अपोजिट हो गए। अब इस पर हमें नेट फोर्स जीरो करना है तो क्या करेंगे? एफ वन इक्वल टू एफ टू, ठीक है। बोलो एफ वन की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों के बीच में फोर्स कितना? के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इधर बताओ एफ टू के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय ये डिस्टेंस आर बाय टू का होल स्क्वायर। के से के चला गया, क्यू से एक क्यू चला गया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी चला जाएगा। बचेगा यहाँ कितना? क्यू बचेगा इक्वल टू, इधर बताओ कितना बचेगा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया वन बाई फोर, फोर ऊपर चला गया फोर क्यू। तो क्यू इक्वल टू कितना आया? स्मॉल क्यू की वैल्यू चाहिए थी तो मैग्नीट्यूड तो आया क्यू बाई फोर। अब यहाँ गलती मत कर देना, यहाँ माइनस लगाना मत भूलना, क्योंकि प्लस क्यू बाई फोर भी आपका ऑप्शन में होगा और ये पहला ही ऑप्शन होगा। तो आप गलती यहाँ तक सॉल्व कर दें और प्लस क्यू बाई फोर आ गया तो लगा दो, ये गलत हो जाएगा। माइनस तो चाहिए ही, अपोजिट नेचर का तो चाहिए ही, इसलिए माइनस तो आएगा ही, ठीक है। बस मैग्नीट्यूड क्या आ गया? क्यू बाई फोर। यहाँ से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए माइनस साइन निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि माइनस साइन हमने यहाँ पहले से ही डिसाइड कर लिया, क्योंकि ये दोनों अगर प्लस प्लस हैं तो ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट इधर हमें एक अट्रैक्टिव फोर्स भी चाहिए जो उसको कैंसिल कर सके, तो ये तो माइनस होना ही चाहिए। तो माइनस तो हमने डिसाइड कर ही लिया, बस मैग्नीट्यूड इससे आ जाएगा कि कॉर्नर पर एक्सट्रीम एंड पर जो चार्ज है उस पर क्या कर दो? नेट फोर्स जीरो कर दो, ठीक है। सॉल्व कर लो। अब आगे क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोग करिएगा ऐसे ही। देखो टू पॉइंट चार्जेस माइनस फोर ई एंड नाइन ई विच आर 1 meter अपार्ट, माइनस फोर ई एंड नाइन ई विच आर 1 meter अपार्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ डैम अ थर्ड चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड such that the whole system is in equilibrium, find out nature as well as magnitude of charge small q, find out nature as well as magnitude of charge small q। अब जरा क्वेश्चन समझ लो पहले। इसमें मैंने ये नहीं दिया कि थर्ड चार्ज कहाँ रखा है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा थर्ड चार्ज रखें कहाँ। वो पहले वाले फार्मूले से Q1 बाय Q2 इक्वल टू R1 बाय R2 का होल स्क्वायर से, उससे पहले क्या निकाल लो कहाँ रखा गया होगा वो। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट इस वाले क्वेश्चन का आ गया कि हमें उस चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो फिर डायग्राम बना के फोर्स को डिसाइड करो कैसे क्या आएगा। करो जल्दी से, 2-4 मिनट का समय दे रहा हूँ, देखें कितना आता है। पहले तो निकालो कहाँ रखा जाए।
2 मीटर पर रखा जाए, ठीक है 2 मीटर सही है। बोलो 4 आ रही है, चलो चेक करते हैं। 2 पॉइंट चार्ज हैं, माइनस 4e और कितने 9e। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। देखिए दो चार्ज हैं, कौन कौन से चार्ज हैं, वैल्यू बोलो। माइनस 4e और 9e। यहां पर दो चार्ज रखे हुए हैं, कितनी डिस्टेंस पर बोलो 1 मीटर पर। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि कहां पर चार्ज को रख दें, एक थर्ड चार्ज, जिससे कि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए अगर ये फिक्स हो। तो कहां रखेंगे, 4e पर या 9e के पास, 4e के पास और उधर दूर रखेंगे कहीं, है ना, 4e से इधर कहीं रखेंगे, बाहर आएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो बाहर आना चाहिए। यहां रख दिया क्यू नॉट। अब ये डिस्टेंस हो गई x, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस x प्लस 1। चलो ये फॉर्मूला हो जाएगा q1 बाय q2 इक्वल टू कितना, r1 बाय r2 का होल स्क्वायर। q1 कितना है, q1 है बोलो माइनस 4e, मतलब 4e यहां से यहां तक डिस्टेंस x, या पहले अपन ये ले लें q1 बाय q2 ले रहे हैं तो 4e अपॉन 9e इक्वल टू कितना हो जाएगा, r1 मतलब x डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल कर दो, स्क्वायर रूट ले लो, 2/3 इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1, कितना आ गया 2x प्लस 2 इक्वल टू 3x, 3x में से x गया 2x गया तो x इक्वल टू आ गया 2 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर आ गया, मतलब यहां पर आप 2 मीटर पर रखेंगे। अब उसने अगला क्वेश्चन इसमें कहा कि इस चार्ज की वैल्यू बताइए कितनी है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। अब ये माइनस 4e और 9e फ्री हैं, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो कॉर्नर पर चार्ज रखे हैं उसको छोड़ के जिस पर नेट फोर्स जीरो बताना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ के, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको छोड़ के बाकी के किसी भी चार्ज पर आप नेट फोर्स जीरो बता दो, ठीक है, तो हमारा इस क्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने इसी पर नेट फोर्स जीरो करने की कोशिश की तो क्यू नॉट तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, समझ रहे हैं। तो कहाँ पर नेट फोर्स जीरो कर दूँ बताओ जरा, और पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लो जरा, बोलो किस पर नेट फोर्स जीरो करूं, इस पर या इस पर, माइनस 4e पे कर दूं। चलिए माइनस 4e पर कर लेता हूं, आपकी बात मान लेता हूं। ये क्यू नॉट, ठीक है, अभी इसकी वैल्यू नहीं पता अपने को, ये माइनस 4e इस 9e से क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, तो माइनस फोर ई पर फोर्स की डायरेक्शन इसके कारण किधर होगी, राइट साइड होगी, तो माइनस 4e प्लस 9e से अट्रैक्ट होगा, तो ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। मान लो F1 फोर्स की डायरेक्शन है इधर राइट साइड। अब इसको कैंसिल करने के लिए ये क्यू नॉट क्या करना चाहिए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए जिससे कि वो F1 को कैंसिल कर सके। अब ये माइनस है, कैसा है, माइनस है, तो इसको कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए जिससे कि वो इस माइनस 4e को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। तो साइन डिसाइड हो गया, कितना साइन डिसाइड हुआ, पॉजिटिव, ठीक है, तो ये इधर इस डायरेक्शन में F2 फोर्स लगाएगा। तो हमने साइन डिसाइड कर लिया कि क्यू नॉट का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, जैसे वहां नेगेटिव आ रहा था यहां पॉजिटिव आएगा। अब आ जाओ कितना आएगा, तो उसके लिए F1 इक्वल टू F2 कर दें, इस पर F1 इक्वल टू F2। अब F1 इन दोनों के बीच में फोर्स है, कितना बोलो, के 4e इंटू 9e, माइनस प्लस, माइनस नहीं लिखना ध्यान देना, डिवाइड बाय कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, इक्वल टू के F2, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना बोलो, के क्यू नॉट इंटू
फोर ई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और एक्स था क्या टू, एक्स टू निकाला था, टू का स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करो, के से के उड़ गया, और क्या उड़ा दिया बोलो, फोर ई से फोर ई उड़ा देते हैं, ठीक है। हमारे पास आ रहा है क्यू नॉट इक्वल टू नाइन फोर जा, वेरी गुड, 36E, यही आंसर है। तो आपका ए टी कैसे आ रहा, 36E आएगा। सिक्स, देखो यहां पर एक ऐसा दिया हुआ है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ए है, सारे कॉर्नर पर आइडेंटिकल चार्ज क्यों रखे हुए हैं, ठीक है, सारे पॉजिटिव हैं। उसने कहा सेंटर पर एक फिफ्थ चार्ज रख दिया क्यू नॉट, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि पूरा सिस्टम कैसा हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। समझ में आ रहा है बात? तो अब जरा बताओ, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या करना पड़ेगा, हर चार्ज पर नेट फोर्स जीरो आना चाहिए। तो किसी एक को पकड़ लो, इसको छोड़ के, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ के किसी को भी पकड़ लो, इसको पकड़ लें, यहाँ सॉल्व करने में आसानी होगी, ऊपर सॉल्व डायरेक्शन वगैरह बनानी पड़ेंगी, जो भी आ जाए देखते हैं। आप तो मुझे बताते जाओ करूँ कैसे, आपसे पूछे कर रहा हूँ, बोलो क्या करूँ, यहाँ क्या करूँ, नेट फोर्स जीरो चाहिए, तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे पहले सोचो, ये फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा, और ये वाला भी लगाएगा। अभी मान लो ये नहीं है फिलहाल, ये क्यू नॉट नहीं है फिलहाल, तो बाकी के तीन फोर्स लगेंगे, कौन कौन से जरा, ये किधर लगाएगा, इस पर नीचे, तो ये हो गया एफ, ये वाला किधर लगाएगा, इस पर, इधर राइट साइड में, इस एफ और एफ का रिजल्टेंट निकाल लो बीच में, कितना रूट टू एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला किधर फोर्स लगाएगा, ये भी नीचे ही लगाएगा, ये क्यू उस क्यू को रिपेल करेगा, कितना कितना रूट टू कैसे हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा मान लो, ठीक है, समझ गए। इसने इसको रिपेल किया एफ से, इसने इसको रिपेल किया एफ से, क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, एफ और एफ के बीच में एंगल कितना है 90, इसलिए एफ और एफ का रिजल्टेंट आया रूट टू एफ, इन दोनों का काम खत्म हो गया, इन दोनों की जगह आ गया रूट टू एफ, और ये वाला क्यू इस क्यू को रिपेल कर रहा है एफ डैश से। एक दो तीन चार की वैल्यू तो हमें पता थी ना, इसलिए हमने ये फोर्स बना लिए, इसकी वैल्यू पता नहीं है क्यू नॉट की। अब जरा सोचो, इस कैपिटल क्यू पर, इस कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है एफ डैश प्लस रूट टू एफ, कितना आ रहा है इस डायरेक्शन में, एफ डैश प्लस रूट टू एफ, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब मुझे इस क्यू पर नेट फोर्स जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये साइन कैसा होना चाहिए, इसका माइनस होना ही चाहिए जिससे कि ये इसको इधर अट्रैक्ट कर पाए, इसके अपोजिट फोर्स लग पाए। तो हमने माइनस का साइन डिसाइड कर लिया, इसका साइन कैसा होना चाहिए, माइनस होना ही चाहिए। अब ये क्यू नॉट माइनस का है तो इस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उस फोर्स की वैल्यू मैं एफ डबल डैश मान लेता हूँ। तो ये एफ डबल डैश किसके इक्वल होना चाहिए, ये एफ डैश और रूट टू एफ के सम के इक्वल होना चाहिए, एफ डबल डैश की वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, कैंसिल आउट कर पाएंगे, ठीक है। अब बस आप वैल्यू पुट कर दें, बोलो जरा एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, ये डायगोनली अपोजिट एंड पर जो चार्ज हैं उनके बीच में फोर्स क्या होगी, बोलो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय यहां से यहां तक का सेपरेशन, ए रूट टू होता है तो ए रूट टू का स्क्वायर, ए रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू एफ, एफ किसके बीच में है, ये साइड पर जो चार्ज रखे हैं इन दोनों के बीच में फोर्स, कितना के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश, सेंटर पे जो चार्ज रखा है वो और ये कॉर्नर पे चार्ज रखा है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट इंटू कितना कैपिटल क्यू डिवाइड बाय, बोलो यहां से यहां तक का सेपरेशन,
ए रूट टू ये पूरा होता है, उसका आधा ए बाई रूट टू होता है, ध्यान देना ए बाई रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करके क्यू नॉट निकाल लो, बस इसमें जरा कॉमन ले लो क्या आ रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा वन बाई टू बचा, रूट टू का स्क्वायर वन बाई टू, इधर क्या बचा रूट टू इक्वल टू, इधर क्या बचा के क्यू नॉट कैपिटल क्यू, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर टू, टू को ऊपर ले जाओ, ठीक है। अब यहां कैंसिल कर दो, के क्यू स्क्वायर में से एक क्यू कट जाएगा बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, आपके पास आया ये क्यू बचा, यहां एलसीएम ले लो जरा इसका, टू क्या आ जाएगा वन प्लस टू रूट टू, इधर टू क्यू नॉट बचा, आपको अब फाइनली आंसर निकालना है क्यू नॉट। पहले तो माइनस साइन लिख दूं, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था माइनस साइन आएगा। अब मैग्नीट्यूड क्या आया, टू से डिवाइड कर दो, ये फोर हो जाएगा, तो माइनस क्यू बाई फोर ब्रैकेट वन प्लस टू रूट टू डिब, इतना ही आएगा बस, ये टू से तो इस टू का मल्टीप्लाई कर ही लिया, तो माइनस क्यू बाई फोर वन प्लस टू रूट टू, ये आंसर होगा, समझ रहे हैं।